हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुयोग निकम, रेडियोग्राफर एंड एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हैं रेडियोग्राफिक ज्ञान। तो आज हम देखेंगे एमआरआई लंबर स्पाइन कैसे करते हैं, एमआरआई लंबर स्पाइन की प्लानिंग क्या रहती है, इसमें पैरामीटर क्या रहते हैं, कौन कौन सी सीक्वेंस लेते हैं, कौन से सीक्वेंस में क्या दिखता है, नर्व रूट कैसे देखते हैं, नर्व रूट कंप्रेशन क्या रहता है, एमआरआई लंबर स्पाइन की फिल्मिंग फॉर्मेट क्या रहेगी, एमआरआई इस पेशेंट का हम एमआरआई रिपोर्ट के फाइंडिंग्स भी देखेंगे आखिर में। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको यूट्यूब में कौन सा भी दूसरे वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है, आप यही वीडियो आप अच्छे से पूरा देखिए तो आपको पूरा एमआरआई लंबर स्पाइन कैसे करते हैं पूरा सीख जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पेशेंट की एंट्री कर दी, अभी हमें पेशेंट सेलेक्ट करना है, स्कैन सेलेक्ट करना है, प्रोटोकॉल मैं करने जा रहा हूँ लंबर स्पाइन। तो ये देखिए एमआरआई लंबर स्कैन प्रोटोकॉल सेव है, इसे हम क्लिक करके इसे यहाँ पर ड्रैग करेंगे। ये जो पहले आता है एमटी सर्वे, जो होल स्पाइन का सर्वे रहता सर्वाइकल डोर्सल लंबर, ये पहले बोलेगा टेबल मूव करना है, यस टू अलो करना। जैसे ही फर्स्ट सीक्वेंस आएगी यहाँ पे हमें एटोव्यू में ओपन हो जाएगी। ये जो हम स्काउट ले रहे हैं ये कोरोनल का है। अभी हम पहले होल स्पाइन स्क्रीनिंग करेंगे फिर हम लंबर स्पाइन का स्कैन करेंगे। ये देखिए पहले हमारा डिसेंडिंग से आता है, ये हमारे स्काउट के तीनों स्टैक आ गए। फिर हमें होल स्पाइन सजाइटल सीक्वेंस को ओपन करना है, फिर हमें यहाँ इसे क्लिक करके ओपन करना है सर्वाइकल डोर्सल और लंबर। पहले हम इसे स्टिच करेंगे, व्यूइंग में जाके हमें राइट क्लिक करके मूवी व्यू करना है, फिर जनरेट सीरीज करके स्टोर कर देना है, सिलेक्ट स्मूथ फ्यूजन करना है, फ्यूज़ करना है हमें इसे, जो अलग अलग तीन स्टैक लिए थे उसे हमें फ्यूज़ करके यहाँ पे ओपन करना है। ये देखिए ये हमने फ्यूज़ कर दिया, यहाँ पे ओपन हो गया, ये सर्वाइकल, ये डोर्सल और ये लंबर। ये हमारे मेरे पास मैंने सिर्फ लिमिटेड ही इमेजेस लिए हैं होल स्पाइन, इसमें सिर्फ लंबर स्पाइन डिटेल कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ मुझे काउंटिंग के लिए चाहिए। तो मैं इस पर लंबर के 6 इमेजेस, सर्वाइकल के 6 और डोर्सल के 6, सिर्फ इतना ही इमेजेस ले रहा हूँ मैं इसमें, और ये मिड के इमेजेस चाहिए मुझे। ये देखिए ये फिर मुझे प्रोसीड कर देना है। ये भी हमें डिसेंडिंग में ही आएगा, इस स्टैक में आपको देखना है L3 तक कवर होना चाहिए और नीचे SI जॉइंट सैक्रम कॉकिक्स पूरा कवर होना चाहिए, सैक्रम और कॉकिक्स पूरा कवर होना चाहिए। ये डोर्सल में पूरा आएगा और ये सर्वाइकल में, मिड ब्रेन पूरा आएगा। सिर्फ हमें सर्वाइकल नहीं थोड़ा ऊपर भी कवर करना है, थोड़ा कि ब्रेन का पोस्टीरियर पोर्शन भी कवर हो जाए। जैसे ही सीक्वेंस आ जाएगी मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें मैंने NSA 2 रखा है, TR रेंज में रखा है, मिनिमम 3000 मैक्सिमम 4000, और TE रहेगा 120। ये फोल्ड ओवर डायरेक्शन में हेड टू फीट ले रहा हूँ मैं, और ये जो स्कैन है मैं तीन स्टैक में ले रहा हूँ। ये स्टैक दिख रहे हैं आपको तीन स्टैक, और एक स्टैक चाहिए तो मैं सिर्फ इसे प्लस कर दूंगा, ये 4 स्टैक हो गया मेरा, 3 स्टैक में कवर हो रहा है तो मुझे 4 की ज़रूरत नहीं है। और ये आप देख सकते, ये जो सर्वाइकल का है एलिमेंट सिलेक्शन में आप देखिए कॉइल सिलेक्शन ABC में रखना है, ABC बोले तो सर्वाइकल, एलिमेंट सिलेक्शन BDC बोले तो डोर्सल, और DEF बोले तो लंबर। ये देखिए लंबर का स्कैन आ गया है, ये देखिए इस पेशेंट को L4, L5 और L5S1 को डिस्क है, बल्जिंग डिस्क है इसे, और L2, L3 को माइल्ड है। अभी हमें यहाँ पे 5 एक्सियल स्लाइस डालने हैं और यहाँ पे 5 डालने हैं, बाकी हम 3-3 डालेंगे।
पहले हम स्टर कॉर्नल की प्लानिंग करेंगे। स्टर कॉर्नल की प्लानिंग हमें ऐसी करनी है जैसे कि हमें आधा वर्टिब्रा कवर हो जाए, पूरी स्पाइनल कॉर्ड कवर हो जाए, और यहाँ पे आप कॉर्नल पे देख सकते हैं बायलैटरल हिप जॉइंट, हिप जो है उसका हेड कवर होना चाहिए, जैसे कि हिप में कुछ एवियन वगैरह है नहीं है वैसा दिखना चाहिए, एक एक सेक्शन होना चाहिए हिप जॉइंट का, और नीचे D12 तक ऊपर कवर होना चाहिए। ये देख सकते हैं 5 4 3 2 1, ये D12 और D11 में कवर होगा इसमें, तो थोड़ा सा पैरेलल करना है आपको कॉर्ड में। फिर इसे हमें प्रोसीड कर देना है। ये जो स्टर कॉर्नल का है इसे हमने इलेवेंट सिलेक्शन में DEF में रखा है जो कि डोर्सल में रहेगा। इसका NSA 2 है, नंबर ऑफ स्लाइस जो है 12 नंबर ऑफ स्लाइस, स्लाइस थिकनेस 4 mm है, और गैप मैंने 0.9 रखा है। ये जो आप देख रहे हैं रेफर स्कैन, ये जो रेफर स्कैन रहता कॉइल कैलिब्रेशन के लिए रहता, जो हम जिस रीजन ऑफ इंटरेस्ट का स्कैन कर रहे हैं वहाँ का कॉइल कैलिब्रेशन हो जाती है और ओपन हो जाती है, जिससे कि स्कैन में और क्वालिटी आ जाती है। ये देख सकते हैं सेकंड स्टैक आ गया जो कि डोर्सल का है, और ये थर्ड स्कैन का स्टैक का स्कैन रन हो रहा है। अभी हम लंबर का T2 साइज का प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो है सैचुरेशन बैंड रहता, इसका क्या रहता, जो अवर्टा रहता अपना उसका आर्टिफैक्ट नहीं आना चाहिए, जो ब्लड रहता मूविंग ब्लड, कभी कभी क्या रहता लंबर स्पैन में जो मूविंग ब्लड रहता ना उसका आर्टिफैक्ट आ जाता, तो आर्टिफैक्ट ना आए इसकी वजह से हम उस सैचुरेशन स्टैक लगाते, या फिर ब्रीदिंग एब्डोमिनल ब्रीदिंग वगैरह जो कुछ रहते, कोई फैटी पेशेंट रहता ना उसकी एब्डोमिनल ब्रीदिंग ज़्यादा रहती तो उसकी वजह से स्कैन में आर्टिफैक्ट आ जाते, तो आर्टिफैक्ट अवॉइड करने के लिए हम ये सैचुरेशन बैंड लगाते हैं। ये कॉर्नल के ऊपर देखना है राइट टू लेफ्ट पूरा कवर होना चाहिए, और गैप थोड़ा सा बढ़ाना है आपको। अभी मैं इसका NSA 2 पेयर है जो एक पे करने वाला हूँ, इसका स्कैन टाइम है 3 मिनट 43 सेकंड, जो मैं एक पे करूँगा तो टाइम कम हो जाएगा 2 मिनट 21 सेकंड आ गया। ये जो सीक्वेंस है मेरी 2 मिनट की ही है। फिर बाद में T2 एक्सहेल करेंगे। ये जो है पॉज है, ये पॉज निकालना है अभी मुझे, जैसे T2 सा जाएगा फिर हमें इसे प्लानिंग करेंगे। ये जो अभी आया सर्वाइकल का होल स्पाइन की जो आई, ये देखिए ये लंबर, ये डोर्सल और ये सर्वाइकल, इसे हमें अभी फ्यूज़ करना है। सेम इसे हमें मूवी व्यू में जाना है, राइट क्लिक करना है, मूवी व्यू ओपन करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, सिलेक्ट हार्ड कट फ्यूजिंग, सिलेक्ट स्मूथ कट फ्यूजिंग, सिलेक्ट ऑन फ्यूजिंग मोड। इसे हमें स्मूथ फ्यूजिंग मोड में करके जनरेट करना है या फिर स्टोर कर देना है। अब इसे हमें क्लोज करके ओपन करना है, यहाँ पे प्लस करना है। ये देखिए ये जो हमने फ्यूज किया यहाँ पे आ गया। जो हमने स्टोर का प्लानिंग लगाया था वो देखिए एक बार, ये देखिए 5 4 3 2 1 D12 L1 D12 D11 पूरा आ गया, और यहाँ पे कॉर्नल पे भी आ गया, हिप जॉइंट के हेड कवर हो गए हैं। स्टर कॉर्नल 3 मिनट 44 सेकंड का है। अभी मुझे T2 एक्सहेल का प्लानिंग करना है, तो इसके ऊपर भी कर सकता हूँ मैं, इसके ऊपर मैं रैंडम प्लानिंग करूँगा, और फिर जो प्रॉपर प्लानिंग रहेगा वो T2 साइज के ऊपर रहेगा, क्योंकि इस बीच में पेशेंट कभी कभी मूव भी करता है, इसकी वजह से प्लानिंग चेंज हो जाता है। यह मैं यहाँ पे 5 5 स्लाइस डाल रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइस यहाँ पे 5 ही है, यहाँ पे भी 5 ही है। सिर्फ इसे मैं कॉपी करके फिर मुझे ओपन ऊपर पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं 3 स्लाइस डालने वाला हूँ, फिर यहाँ पे 3 स्लाइस डालने हैं। फिर यहाँ पे 3, टोटल नंबर ऑफ 19 स्लाइस डालने हैं मुझे। ये हो गया मेरा, इसका गैप मैं कम कर सकता हूँ, इसका भी गैप कम कर सकता हूँ। फिर मुझे स्टर कॉर्नल जो आया यहाँ पे ओपन करना है,
ये देखिए, ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, ये वर्टिब्रा दिख रही है, स्पाइनल नर्व रूट है, ये जो दिख रहा है आपको ये नर्व रूट है, ये SI जॉइंट है, और यहाँ पे आपको हिप जॉइंट के हेड दिख रहे हैं ना, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही मुझे। कभी कभी क्या रहता पेशेंट का, लंबर स्पाइन नॉर्मल रहता और हिप जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाता, तो वो कंफर्म करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कवर कर देते हैं, बाकी कोई नहीं। अब इसका जो टाइम आ गया एक्सेल का 4:55 आ गया, जो NSA 3 है, मैं NSA इसका 2 ही करूँगा तो टाइम कम हो जाएगा। ये देखिए टाइम कम हो गया, 3 मिनट का एक्सेल का रह गया। फिर मैं इसका रेस्पिरेटरी निकालने वाला हूँ, सैचुरेशन बैंड, इसे रेस्ट स्लैब भी बोलते हैं, सैचुरेशन बैंड भी बोलते हैं। फिर रहेगा मेरा T1 एक्सेल, जो कि ये प्लानिंग होने के बाद मैं इसे लगाने वाला हूँ T2 रन होने के बाद, और ये है T2 वेटेड कोरोनल, ये नर्व रूट देखने के लिए स्पेशली लेता हूँ मैं, जो कि कभी कभी स्टर में नहीं दिखते हैं तो T2 में थीन में लाते हैं, इसलिए मैं T2 कोरोनल लेता हूँ। ये देखिए रेफर स्कैन रन हो गया, ये जो T2 साइज सीक्वेंस आ गई, इसे हमें यहाँ पे प्लस करके ओपन कर देना है। यहाँ पे आप देखिए इसका हमें मिड साइज ओपन करना है, फिर मुझे प्लानिंग लगाना है। ये T2 एक्सेल का प्लानिंग लग गया, T1 साइज का भी प्लानिंग लग गया। अब ये जो है यहाँ पे TRA बोले तो ट्रांसवर्स रहता, T2 एक्सेल और T1 एक्सेल में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं TRA सेम ही रहना चाहिए, TRA तो ही सेम प्लानिंग लगेंगे। जो मैंने प्लानिंग किया वो सेम रहेगा अभी इसका, सिर्फ हम मुझे स्लाइस कम ज़्यादा करने हैं। मैंने T2 एक्सेल में 19 स्लाइस रखे हैं, तो T1 एक्सेल में मुझे 19 स्लाइस ही रखने हैं, लेकिन ये रन होने के बाद मैं ओपन करूँगा, जैसे ये अभी ओपन किया तो ये बाद में रन नहीं होगा। ये रन, ये जो दिख रहे हैं, जैसे ये सीक्वेंस रन होगी फिर बाद में मैं इसे ओपन करूँगा। अभी हमने L5S1 में 5 स्लाइस रखे थे, यहाँ पे भी 5 स्लाइस रखे थे, माइनस में नहीं जाने देना है नहीं तो टाइम बढ़ जाता है। यहाँ पे 3 स्लाइस, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, बस ये सीक्वेंस का टाइम 2:33 है। यहाँ से मुझे पेशेंट भेजना है दूसरे कंप्यूटर पे, तो यहाँ पर मुझे पेशेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में, पेशेंट पे ऊपर क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, पेशेंट को सिलेक्ट करके फिर हमें सीक्वेंस सिलेक्ट कर देने हैं, ये जो है ई जो फिल्टर होके सीक्वेंस आते हैं इसे मुझे सेंड कर देना है। मैं सेंड करूँगा ADW के ऊपर, जो कि मुझे इसका कर्व इमेज बनाना है। कर्व इमेज क्या रहता, कैसे बनाते, अगर आपको पता नहीं तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। ये जो पेशेंट कर रहा हूँ मैं, इसकी पूरी इमेजेस फिल्मिंग पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैंने इसके फिल्म कैसे दिए हैं, फिल्म फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे रहेगा, पूरा मैं इस वीडियो में आपको सब दिखाऊंगा मैं, तो देखते रहिए मेरे साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, जैसे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ये देख सकते हैं, ये L4 L5 पे नर्व रूट कंप्रेशन लग रहा है मुझे, लेकिन अभी स्कैन रन है तो मैं पूरा नहीं बता सकता, अभी सिक्वेंस रन हो रही है।
ये देखिए, ये जो अभी टी वन साइज सिक्वेंस कंप्लीट हो गई, अभी टी टू एक्सियल सिक्वेंस रन है। अभी देखते हैं हम कौन कौन से सिक्वेंस आ गए हैं। ये जो हमने होल स्पाइन लिया था इसका हमें काउंटिंग करना है, ये काउंटिंग के लिए ही लेते हैं बेसिकली लंबर स्पाइन में। ये यहाँ से टू सर्वाइकल सी टू से काउंटिंग करते हैं, सी वन सी टू फ्यूज रहता है। ये डी वी ट्वेल्व रहेगा, ये एल वन टू थ्री फोर फाइव, ये रूटीन है हमारा, ये रूटीन है। कभी कभी क्या रहता, लंबराइजेशन और सैक्रलाइजेशन रहता, वो देखने के लिए ये वो देखने के लिए ये स्कैन करते हैं। ये देखिए, ये स्टर कॉर्नल की सीक्वेंस है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, हिप जॉइंट के हेड, सैक्रो इलेक जॉइंट बायलैटरल, और ये स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो गई। ये देखिए, ये टी टू सजाइटल है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो गई डी ट्वेल्व एल वन पे। ये देखिए, ये अल्फा एस वन है, एस वन पार्शियली नर्व रूट कंप्रेशन लग रहा है यहाँ पे राइट साइड में, बाकी सब नॉर्मल ही है। अल्फा एस वन में पार्शियली नर्व रूट कंप्रेशन लग रही है, इसका रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ स्कैन होने के बाद। ये टी वन सजाइटल है, ये देखिए यहाँ पे बल्जिंग डिस्क है, और ये टी वन एक्सियल है। ये देखिए, ये स्कैन पूरा हो गया हमारा। अब ये देखते हैं हम टी टू कॉर्नल सीक्वेंस कैसा आया है। ये देखिए, यहाँ पे नर्व रूट दिख रहे हैं आपको, बेसिकली ये नर्व रूट देखने के लिए हम टी टू कॉर्नल लेते हैं, कहीं कहीं टी टू ड्राइवर बोलते हैं इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट फिल्मिंग फॉर्मेट देखते हैं। ये होल स्पाइन स्क्रीनिंग सजाइटल टी टू, स्टर कॉर्नल, टी टू कॉर्नल, ये एक फिल्म हो गई। सेकंड फिल्म ये है टी टू साइज टी वन साइज, थर्ड फिल्म रहेगी टी टू वेटेड एक्सियल, एंड फोर्थ फिल्म रहेगी टी वन वेटेड एक्सियल। अभी हम इसके रिपोर्ट फाइंडिंग्स देखेंगे। ये रिपोर्ट सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए है। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।